जी नमस्कार, मेरा नाम सुनील है और मैं गांव पटवी में वेटनरी असिस्टेंट के पद पर कार्यरत। मैं यहां पर पशुओं को मुंह खुर के टीके लगाने के लिए आया हूं, जो कि हरियाणा सरकार ने हमें सभी पशुओं को लगाने के आदेश दिए हैं। ये टीके जिस बीमारी के लिए लगाए जा रहे हैं गाँव में, लगभग हर पशु को लगाए जा रहे हैं। इसका कारण है कि मुँह खुर की बीमारी, जैसा कि सभी जानते हैं कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, एक बार अगर ये बीमारी पशुओं में आती है तो ये पूरे गांव में बड़ी तेज़ी से फैलती है, जिसकी वजह से फार्मर को क्या बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल नुकसान होता है, पशु का नुकसान होता है और फार्मर की कंडीशन और ज़्यादा उसकी दुर्दशा हो सकती है। तो उस स्थिति को बचाए रखने के लिए, पशुओं के विकास के लिए, फार्मर के विकास के लिए हरियाणा सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट पशुओं को टीके लगाने के लिए प्रोवाइड किए। हर डिस्पेंसरी में, हर ज़िले में, हर पशु अस्पताल में ये टीके पशु चिकित्सक से और वेटनरी असिस्टेंट से संपर्क करके अपने पशुओं को लगवा सकते हैं, हर वो पशु जो 4 महीने से ऊपर का है। तो सर मुझे आप एक ये बताएं भी, बहुत सारे किसान इसको इसलिए नहीं लगवाते कि ये उनके पशु दूध दे रहे हैं, गाभिन है, तो ऐसा बताएं भी, बहुत सारे किसानों के मन में भ्रांतियाँ हैं, तो इसके बारे में बताइए आप सर। जी एक्चुअल में तो ये सभी पशुओं को लगवाने चाहिए, चाहे वो गाभिन है, चाहे वो ताज़ा ब्याया हुआ है, चाहे वो किसी भी स्टेज का गाभिन है, 2 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की, किसी भी स्टेज की प्रेगनेंसी है, उनमें सभी को लगाया जा सकता है। हमारे जो ऊपर पीछे जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिसर्च करके ये वैक्सीन बनाई है, उनका मतलब हर पशु को लगाने से है, क्योंकि ये जो बीमारी है वो किसी भी पशु को किसी भी स्टेज में आ सकती है। और साइंटिस्ट का ये मानना है कि गाँव में 70% पशु गाभिन ही होने चाहिए। सही बात है। और हमारा भी ये उद्देश्य है कि हम लगभग साल में हर पशु से एक बच्चा लें। सही बात है। और अगर 70% गाभिन पशुओं को नहीं लगाएंगे तो किसको लगाएंगे? कितने पशुओं को लगाया जा सकता है? ऐसे तो बीमारी फैल जाएगी इसके। अगर ये नहीं लगाएंगे तो लगभग हर पशु को हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर फार्मर के पास 4 पशु हैं तो उसमें 3 गाभिन होने चाहिए। सही बात है। सरकार के हिसाब से ये 3 पशुओं का गाभिन है तो वो 3 पशुओं को नहीं लगेगा, 1 पशु को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक गांव में 100% पशुओं को टीका नहीं लगाया जाएगा, एक भी पशु छूट जाएगा, तो वो टीका जो वैक्सीन किया हुआ है, जो इतना बड़ा प्रोग्राम किया हुआ है, जो सरकार ने करोड़ों रुपए खर्चे हैं, वो सब वेस्ट हो जाएंगे। कई बार पशु मालिक को ये भ्रांति होती है कि हमारा पशु पीछा दिखाता है या हमारा पशु दूध दे रहा है, दूध देने अगर हम इसको वैक्सीन लगाएंगे तो पशु दूध देने से हट जाएगा, पर ये गलत है। 1 दिन 2 दिन की कई बार समस्या होती है कि पशु डर के मारे उस दूध का थोड़ा सा, हो सकता है कि मान लो 10 किलो दे रहा है तो शायद 8 पे आ जाएगा, पर वो टीके के डर की वजह से है। अगर सुचारू रूप से उसका दाना पानी चारा ठीक रखा जाता है तो 2 दिन 3 दिन में वो दोबारा से उस दूध की रिकवरी कर जाता है। तो अतः पशु मालिक ये ना सोचे कि पशु दूध नहीं देगा, उसके बाद दूध देने से हट जाएगा, ये सोच के भी कई पशु मालिक अपना पशुओं को मुँह खुर का टीका लगवाने से रोकते हैं हमें या डर जाते हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि वो उन सभी पशुओं को लगवाएं जो दूध दे रहा है, उसके लिए भी वो उतना ही फ़ायदेमंद है जितना वो बाकी पशुओं के लिए। सर आप मुझे जो वैक्सीन दिखा सकते हैं जो कि अब की बार हरियाणा सरकार ने? जी हाँ जी, ये हरियाणा सरकार ने ये वैक्सीन हमें बायोएफएमडी ऑयल के नाम से प्रोवाइड की है। ये सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं ये इंजेक्शन हमें, इसका सरकार कोई चार्ज नहीं लेती है। और अगर आपसे कोई इस वैक्सीन को लगाने का पैसा लेता है तो तुरंत अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। ठीक है सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।